में दिन से लेके रात तक ऐसे ही आवाज होता रहता है और मुझे इसी में ही वीडियो बनाना पड़ेगा। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ एडिक्शंस। ये वीडियो मेरे फेवरेट ब्यूटी फेवरेट्स के ऊपर होने जा रहा है। तो मेरा पहला प्रोडक्ट है प्योर एसेंस का ये बहुत ही जेंटल एंड माइल्ड स्क्रब। इसमें गुआवा पाउडर है एंड ये पूरा यम्मी गुआवा की तरह स्मेल करता है, लगता है इसे खा जाऊं। ये गुआवा प्यूरे की तरह लगता है। इफ यू आर यूज्ड टू यूजिंग हार्श स्क्रब्स ऑन योर फेस जिसमें के वॉलनट शेल पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर द स्किन। उससे स्किन पे माइक्रो टीयर्स होते हैं। ये प्योर सेंस का पिंक गुआवा स्क्रब 50 ग्राम का प्रोडक्ट मुझे 219 रुपए के करीब मिला था। स्क्रबिंग से व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स कम होता है एंड स्किन में एक ग्लो आता है डेड स्किन सेल रिमूव होने की वजह से। नेक्स्ट है पिलग्रिम का प्यूरिफाइंग जेल फेस वॉश। इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड है के अलावा इसमें लैक्टिक एसिड है, सीका एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत ही सूदिंग एंड अच्छा है। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है जो कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरे स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है एंड एट द सेम टाइम एक्ने एंड ब्लैक हेड्स को भी कम किया। ये 100 ml का प्रोडक्ट मुझे 195 रुपीस के करीब मिला था। मेरे नेल्स ना बहुत ही ज्यादा पतले हैं एंड फ्लेक्सिबल है जिसकी वजह से ये टूटते रहते हैं। इसके ऊपर मैंने जेल ओवरले करवाया था पर उससे मेरे नेल्स और भी वीक हो गए अंदर से। अभी मुझे लगा इसे थोड़ा सा प्यार चाहिए तो आई स्टॉप्ड इट फॉर सम टाइम एंड थोड़ा नेल केयर पे ध्यान दिया। नाइका का रॉक हार्ड नेल हार्डनर ये खाली 199 रुपीज में मिलता है एंड इसके ऊपर कई सारे रिव्यूज है नाइका में एंड पीपल आर रेविंग अबाउट इट। इसमें एक ऑल्डिहाइड करके इंग्रेडिएंट है जो कि क्लिनिकली टेस्टेड है नेल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट उतना कुछ मुझे नहीं पता पर मेरे नेल्स पे इसका स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट दिखता है। मेरे नेल्स अभी कम स्प्लिट होते हैं एंड ब्रेकेज भी कम होता है। यूरोपैरिस का ये इंडिविजुअल लैशेस बहुत ही एक नेचुरल लुक देता है, रियल ह्यूमन हेयर से बना हुआ है। इसे मैंने बहुत पहले खरीदा था पर अभी भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। 300 रुपीज में 12 mm का 40 आई लैशेज मिलता है एंड 10 mm का 20 आई लैशेज मिलता है। एक एक लैशेज आप मिनिमम 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। ये ह्यूमन हेयर से बना हुआ होता है तो इरिटेशन बहुत ही कम होता है। इसके साथ ग्लू नहीं आता है तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। डेली लाइनर के बिना भी अगर इसे आउटर कॉर्नर पे 1-2 अप्लाई किया जाए तो लुक को ये एनहांस करता है, बहुत ही नेचुरल दिखता है एंड लाइनर के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा नेचुरल एंड लाइट लुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हेवी लुक चाहिए तो आप 4-5 लैशेस भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इतना पतला सा है, छोटा सा है, अप्लाई करोगे पहले पहले लगता है कि ये कुछ देर बाद निकल जाएगा पर ये सारा दिन स्टे करता है। सर्वा करके एक ब्रांड का ये एक रोजमेरी मिस्ट है जिसमें कि स्टीम डिस्टिल्ड रोजमेरी वाटर है। रोजमेरी इज साइंटिफिकली प्रूवन टू इम्प्रूव हेयर ग्रोथ। स्टीम डिस्टिलेशन की वजह से ये रोजमेरी वाटर लंबे समय तक टिकता है एंड इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। सो इट इज अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट। दिस इज अ वन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। ये 100 ml का प्रोडक्ट 260 रुपीस के करीब मिलता है। इसे मैं रोज रात को सोने से पहले अप्लाई करती हूँ। ये मेरे स्कैल्प को ऑयली नहीं बनाता है। मैं जिस दिन शैम्पू करती हूँ, शैम्पू करने से पहले रोज मेरी एसेंशियल ऑयल मेरे ऑयल के साथ मिक्स करके स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ। पर क्योंकि रोज मेरी एसेंशियल ऑयल मैं हर रोज नहीं इस्तेमाल कर सकती, आई गेस दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूट। इसे आप फेस एंड बॉडी पे भी स्प्रे कर सकते हो। दे आर सेइंग इट कंट्रोल्स एक्सेस सीबम प्रोडक्शन पर मैं इसे हेयर ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। खाली अपने स्कैल्प पे स्प्रे करती हूँ एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग ऑलवेज। बाय बाय।